दिस इज हाई टाइम व्हेन वी शुड रियलाइज कि मैंने जो टारगेट दिया अपने आप को और मुझे लगा कि MDI में एडमिशन मिल जाएगा तो मज़ा ही आ जाएगा, आ रहा है मज़ा बट शॉर्ट लिव्ड होगा, नौकरी मिल जाएगी तो मज़ा ही आ जाएगा, आया मज़ा शॉर्ट लिव्ड था, सेम गोज फॉर रिलेशनशिप्स ऑल्सो, दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड अनलॉक दिस इंटेलिजेंस सेइंग दैट ये फॉर्मेट तो फेल हो रहा है. सी इफ यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन, आप 30 साल के हो गए हो, आपको ये दिख जाना चाहिए ना कि जिस फॉर्मूला पे अभी तक मैं अपना जीवन चला रहा हूँ दैट फॉर्मूला इज फेलिंग, नंबर वन, राइट? सो विच मीन्स देर इज सम अदर फॉर्मूला विच आई डू नॉट नो, आई गॉट टू फाइंड दैट फॉर्मूला. तो पहला ये तो ना हो गया और दूसरा खोजना है. दिस इज वेयर द जर्नी स्टार्ट्स कि बॉस कुछ फॉर्मूला गड़बड़ है, आई हैव टू फिगर आउट द राइट फॉर्मूला. मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया, यू गॉट टू स्टार्ट टू कनेक्ट विद योर ओन सेल्फ, जिसके बहुत सारे मेडिटेशन के वेज हैं, लर्निंग के वेज हैं, बट यू मस्ट इन्वेस्ट इन योर ओन सेल्फ. आज हमारी प्रॉब्लम है, हम अपने ऊपर इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं. आपको बोला जाए कि अगर 2 दिन का छुट्टी ले लो ऑफिस से, फैमिली से, एंड गो टू एन एक्स आश्रम, लेट्स से जैसे स्टीव जॉब्स गए, एक हफ्ता सब छोड़ के उस आश्रम में जाओ, जस्ट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, आप नहीं जाओगे, विच मीन्स आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो. तो दैट्स द फर्स्ट थिंग, स्टार्ट टू इन्वेस्ट इन योर ओन सेल्फ, तो नेक्स्ट फॉर्मूला खुलने लगेगा. दूसरा, हम सब बहुत छोटा सोचते हैं, दैट्स आवर प्रॉब्लम. वी जस्ट नॉट एबल टू थिंक नेशनल और ग्लोबल इन आवर थॉट, हम सोच नहीं पा रहे. राइट नाउ वी हैव एन आश्रम विच इज नॉन रेजिडेंशियल इन हिमालयाज, विच मीन्स इफ यू कम वी डोंट हैव अ स्पेस टू होस्ट यू देयर, आप रह नहीं पाएंगे, यू कैन कम स्पेंड द डे, इट्स दैट टाइनी माइन्यूट, छोटू सा है वो. माई विजन इज टू हैव मल्टीपल आश्रम्स अक्रॉस द ग्लोब एंड बिल्ड कॉन्शियस लीडरशिप इंस्टीट्यूशंस, एंड इन माई बैंक देयर इज जस्ट अबाउट 50,000 रुपीज राइट नाउ, बट थिंग्स आर ओपनिंग अप. And I'm just not thinking that by the time I die, ये सब हो जाना चाहिए. No. By the time I die, ये सब roll out शुरू हो जाना चाहिए. Which means this thought should keep on growing for next 500 years. That's our problem. We're not thinking big. हम बहुत छोटा सोचते हैं. एक नौकरी मिल जाए खुश हो जाऊंगा. No. You can impact the destinies of thousands of people with your work. That should be the purpose of your life. बट हमारे पर्पस बहुत टाइनी टाइनी है. इसका एक उदाहरण देता हूँ आपको. जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ कौरव और पांडवों की सेना के बीच में, श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में बातचीत हुई. श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन नाउ यू आर ऑन द बैटल फील्ड, तुम्हें मालूम है तुम्हारा पर्पस क्या है? अर्जुन ने कहा, यस सर आई नो द पर्पस, पर्पस है ये युद्ध जीतना. गधा, इतने साल सिखाया अभी समझ नहीं आया इसको. युद्ध जीतना पर्पस नहीं है अर्जुन, टू एस्टैब्लिश द हाईएस्ट धर्मा इज द पर्पस. ये तो एक बैटल है छोटा सा, उसको जीत के क्या करोगे अगर तुम धर्म को एस्टैब्लिश नहीं कर पाए? और धर्म को एस्टैब्लिश करने के लिए यू हैव टू चूज टुमारो द राइट किंग, यू हैव टू क्रिएट द राइट पॉलिसीज, यू हैव टू क्रिएट द राइट इकोनॉमिक इकोसिस्टम सो दैट द होल प्रजा कैन फ्लरिश. You have to make sure that people understand dharma. Nobody does a dharma. Arjun, that's the purpose. Naukri karna dhoondna purpose nahi tha. Wo to ek chota goal hai. Purpose uske baad bahut bada hona chahiye. Think big. If you start to do that, another magic will unfold. Abhi Harvard mein ek research hua bada khoobsurat. Usme nikal ke aaya. Jis vyakti ke paas bhi ek bahut bada purpose hai, which is bigger than himself. Do cheezein उन्होंने फाइंड आउट की उस रिसर्च में. पहला, उसकी फिजिकल और मेंटल वेलबींग इज ऑलवेज हाई, वो बीमार कम पड़ते हैं लोग जिनका पर्पस हाई है. और दूसरा, किसी भी परिस्थिति में वो खुश रहते हैं बिकॉज देयर समथिंग ड्राइविंग देम एवरी मॉर्निंग, सो देयर हैप्पीनेस इज लिंक्ड टू देयर पर्पस, देयर वेलबींग इज लिंक्ड टू देयर पर्पस. नाउ इमेजिन, डू यू हैव अ पर्पस? है ना, तो आपका हैप्पीनेस छोटा रहेगा, क्षणिक रहेगा, यानी छोटा छोटा क्षणों में आएगा, और हेल्थ और वेलबींग भी कॉम्प्रोमाइज रहेगी. इसीलिए सो मेनी ऑफ मेंटल वेलबींग इश्यूज दीज डेज, यू टॉक टू किड्स इन द स्कूल और कॉलेज, नोबडी हैज अ पर्पस.
तो फिर मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी. दिस इज अ होल मैप हाउ योर न्यूरो साइंसेज वर्क, हाउ द न्यूरॉन्स इन द ब्रेन वर्क. सो दैट्स फिगर दैट आउट.